फोर्थ लेयर है आपकी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर या आप इसे कह सकते हो डेटा लिंक लेयर, मीन्स कि जैसे हमने TCP/IP पढ़ा है उसमें क्या होता है, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर जो होती है वो हमारी सेपरेट होती है, अलग अलग होती है, पहले फिजिकल लेयर देन डेटा लिंक लेयर, बट यहाँ पे जो है इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो इसमें क्या होता है, इस लेयर पे जो फिजिकल लेयर का काम होता है वो भी होता है और जो डेटा लिंक लेयर का काम होता है वो भी होता है, तो दोनों काम जो है वो इसमें होते हैं। डेटा लिंक लेयर का काम आप लोगों को पता है क्या होता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इट मीन्स कि जो हमारा पैकेट है, जो हमारा मैसेज है, हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि कोई हैकर जो है उस डेटा को अगर हैक भी कर लेता है तो वो उसे रीड ना कर सके, उसे समझ ना सके, ठीक है। वही इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है और वो हमारे किस लेयर पर परफॉर्म होता है, डेटा लिंक लेयर पर। इन फिजिकल लेयर, सॉरी, इन फिजिकल लेयर द इंडिविजुअल बिट आर एनकोडेड एंड अरेंज इन डेटा लिंक लेयर फ्रेम। मीन्स कि फिजिकल लेयर पे जो हमारा डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, बिट्स की फॉर्म में, मीन्स 0-1 की फॉर्म में होता है, और डेटा लिंक लेयर पे हमारा जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, फ्रेम की फॉर्म में होता है, और नेटवर्क लेयर पे पैकेट। तो ये आपको याद रखना है कि किस लेयर पे हमारे डेटा की फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, या हमारे मैसेज की फॉर्म क्या होती है। डेटा फिजिकल लेयर पे बिट, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम, नेटवर्क लेयर पे पैकेट और ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। तो फिजिकल लेयर पे क्या है, हमारी बिट्स की फॉर्म होती है जिसे हम क्या करते हैं, एनकोड कर देते हैं, इंक्रिप्ट कर देते हैं और उसको डेटा को अरेंज करते हैं किसमें, डेटा लिंक लेयर पे। मतलब यहाँ पे इस लेयर पे इन दोनों लेयर का काम हो रहा है। एंड द एनकोडेड एंड द एनकोडेड डेटा अरेंज इन प्रोटोकॉल, अरेंज इन प्रोटोकॉल डिफाइंड फ्रेम्स इज पुश्ड टू द वायर और वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन लिंक, ठीक है। तो फिजिकल लेयर पे क्या कह रहा है, कि फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर में कि पहले क्या होता है, जो बिट्स हैं हमारी वो एनकोड होते हैं, यानी कि और वो फ्रेम में कन्वर्ट होती है। मतलब क्या है कि डेटा लिंक लेयर पहले अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो मैसेज है, जो डेटा है, उसको क्या कर रहा है, एनकोड कर रहा है, इंक्रिप्ट कर रहा है, और उसके बाद वो उसको किससे भेज रहा है, फिजिकल लेयर को, वो जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में उसे सेंड कर रहा है। देन वो इंक्रिप्टेड फॉर्म को क्या कर रही है, फिजिकल लेयर अरेंज करके उनको फ्रेम्स को पुश कर रही है किसके ऊपर, वायर के ऊपर या वायरलेस जो भी है। अगर कोई दो डिवाइसेस हमारी वायर के थ्रू कनेक्टेड है तो जो डेटा है, मैसेज है, जो बिट्स की फॉर्म में, वो उसको क्या वायर पर जो है पुश कर रही है, यानी सेंड कर रही है। और अगर वायरलेस है तो उसे जिस भी सैटेलाइट या रेडियो ट्रांसमिशन जो भी हम उस टाइम पर यूज़ कर रहे हैं उसकी हेल्प से सेंड कर रही है। IoT में जो होता है वो रेडियो ट्रांसमिशन यूज़ होता है।
ठीक है। अब इसमें बहुत सारे जो है हमारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। इथरनेट, इथरनेट किस लिए यूज, क्यों यूज होता है, क्योंकि इथरनेट एक वायर है। अगर हम वायर की हेल्प से यूज कर रहे हैं तो हम इथरनेट प्रोटोकॉल यूज करेंगे। मैं ये बात आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे आईओटी में या फिर अगर हम नेटवर्किंग भी पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे, और मोस्टली हर प्रोटोकॉल का काम सेम सा ही होता है। बट हम यूज़ क्या करते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी ज़रूरत है, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। तो फिज़िकल लेयर पे जो है आपका फर्स्ट प्रोटोकॉल है आपका ब्लूटूथ। ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, ब्लूटूथ प्रोटोकॉल। आप सब अपने मोबाइल डिवाइस में ब्लूटूथ देखते हैं, ये किस लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हमारी जो रेंज होती है, जो डिवाइसेस की जो कनेक्टिविटी हमें करनी होती है और उन डिवाइसेस के बीच में रेंज बहुत कम है। ऐसे कि हम अगर स्मार्ट होम बना रहे हैं तो स्मार्ट होम है, या आप स्मार्ट ऑफिस भी कह सकते हो, उसमें अगर एक रूम में आपको कनेक्टिविटी करनी है या एक फ्लोर पर कनेक्टिविटी करनी है तो आप ब्लूटूथ की हेल्प से कर सकते हो डिवाइसेस के बीच कनेक्टिविटी। It is a short range wireless communication network over a radio फ्रिक्वेंसी। ओके, रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात आ गई, आईओटी में हम रेडियो फ्रिक्वेंसी ही यूज़ करते हैं। तो ब्लूटूथ कैसा है, शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमें दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वायर की कोई नीड नहीं होती, जो कि हम अपने स्मार्टफोन्स में, मोबाइल डिवाइसेस में बहुत ईजिली देखते हैं अपनी डेली लाइफ में भी। तो इसकी जो रेंज है वो बहुत ही कम होती है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। आपकी जो रेंज होती है वो आपकी 50 to 150 मीटर के अप्रॉक्स होती है, और जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है कि वो एक टाइम पे कितना डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है बिट्स की फॉर्म में, क्योंकि जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो हमारी बिट्स की फॉर्म में होता है, तो डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो है 3 Mbps। आप देखिए सारी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं सबकी रेंज, फ्रिक्वेंसी, डेटा ट्रांसफ़र रेट ये जो है मेंशन होता है, दिया है आपको, जो नोट्स आपको मैं दूंगी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्द मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भी मेल कर दूंगी और सेकेंड चैप्टर के नोट्स भी मेल कर दूंगी, आप लोग टेंशन मत लेना। लेकिन हाँ, फिर भी जो मैं लिखती हूँ उसको नोट करते रहा करो। अब हर किसी की फ्रिक्वेंसी आप लर्न नहीं कर सकते, तो जो मेन फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे असाइनमेंट्स में फ्रिक्वेंसीज जो है वो आपकी कई बार रिपीट होंगी, मेन जो होती है उनकी फ्रिक्वेंसी आप लोग लर्न कर लेना कि किसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। ज़्यादातर फ्रिक्वेंसी ही पूछी जाती है, रेंज और डेटा ट्रांसफ़र रेट कम पूछा जाता है, हर एक डिवाइस की फ्रिक्वेंसी पूछी जाती है। तो आप फ्रिक्वेंसी लर्न कर लेना किस डिवाइस की फ्रिक्वेंसी कितनी है। एडवांटेज ऑफ ब्लूटूथ, क्या क्या फ़ायदे इसे यूज़ करने का। इट इज़ वायरलेस, ये इसमें क्या है, वायर नहीं होती है, वायरलेस है ये, आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, इसे कनेक्ट कर सकते हो। इट इज़ चीप, सस्ता होता है ये आपका। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, आप इजीली उसे यूज़ कर सकते हो। इट इज़ फ्री टू यूज़, इट इज़ फ्री टू यूज़ इफ़ द डिवाइस इज़ इंस्टॉल्ड विद इट। अगर डिवाइस इसके साथ कनेक्ट है तो आप इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोबाइल में भी देखा है कि ब्लूटूथ के लिए आपको नेट की नीड नहीं होती है, तो आप इसको, ये फ्री होता है, ये इसका एक एडवांटेज है।
डिसएडवांटेज क्या है? शॉर्ट रेंज। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये जो कनेक्टिविटी होती है शॉर्ट रेंज की होती है, मतलब ये ज़्यादा रेंज पे जो है कनेक्ट नहीं कर सकता है डिवाइसेस को। और क्या प्रॉब्लम है कि ये कनेक्ट कर सकता है ओनली टू डिवाइसेस से, केवल दो डिवाइसेस को एक बार में कनेक्ट कर सकता है, मोर देन वन डिवाइसेस जो है कनेक्ट नहीं करेगा। मतलब ए डिवाइस को सिर्फ बी डिवाइस से कनेक्ट करेगा, ब्रॉडकास्टिंग जो ऑप्शन होता है वो ये नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट जो आपका प्रोटोकॉल है वो है आपका जेड वेव। एक आपने ज़िगबी पढ़ा था ब्लूटूथ के बाद, मैंने आपको ज़िगबी पढ़ाया था। एक आपका प्रोटोकॉल है जेड वेव, इट इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल मतलब कि जो ब्लूटूथ है उसकी जगह अगर आप क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको बताया था पहले ज़िगबी जो कि लो पावर कंजम्पशन था, आप वो यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आपका ये प्रोटोकॉल है जेड वेव, आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट इसकी जो रेंज है वो ब्लूटूथ से ज़्यादा है। इट इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ 900 MHz। ठीक है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? 900 MHz। और इसकी जो रेंज है, रेंज कितनी है जहाँ मतलब जो डिवाइसेस को ये कनेक्ट कर सकता है वो कितने डिस्टेंस पर डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है? 30 meter to 100 meter। तो इसकी जो 30 meter to 100 meter मीन्स ब्लूटूथ का ही ये एक ऑप्शन है आपके पास। अगर आप ब्लूटूथ यूज़ नहीं करना चाहते हो, क्यों यूज़ नहीं करना चाहते हैं ब्लूटूथ? क्योंकि ये जो डिवाइस होती है ये लो पावर नहीं होती है। इसी ब्लूटूथ को नॉर्मली हम नेटवर्किंग में तो यूज़ कर लेते हैं, जब हमें दो नेटवर्किंग यानी दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है सिस्टम्स को, या डेटा ट्रांसफ़र करना होता है मोबाइल से, तब हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब हम IoT की बात करते हैं तो कई जगह ब्लूटूथ यूज़ होता है, बट उससे बेटर ऑप्शन क्या होता है कि आप ZigBee यूज़ करें या फिर आप Z-Wave यूज़ करें। डेटा ट्रांसफर रेट जो है इसका है आपका 100 kbps। ओके, इसका एडवांटेज क्या है? देखिए, जब भी हम कोई ऐसी डिवाइस यूज करते हैं जो IoT में यूज कर रहे हैं, वो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे फास्ट जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है? लो पावर कंजम्पशन। ओके, जो ये क्या डिवाइस, ये डिवाइसेस स्पेशली IoT के लिए ही बनाई गई हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ही बनाई गई हैं। फर्स्ट एडवांटेज है लो पावर कंजम्पशन। जब भी कोई हम किसी प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं जो कि IoT के लिए बनाया गया, स्पेशली जैसे आपका था MQTT, SMQTT, आपका ZigBee, आपका Z-Wave, सबसे पहले आपको एडवांटेज में लिखना है लो पावर कंजम्पशन। सबसे पहले लाइट वेट। ओके, सिंपल इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन इसका सिंपल है, हार्ड नहीं है, सिंपल इंस्टॉलेशन। जिस डिवाइस के साथ आपको इसे यूज़ करना है आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और लोकल कंट्रोल, वही कि आपको नेट की नीड नहीं है, आप इसको इंस्टॉल करके इसको यूज़ कर सकते हो। कहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं? अपने होम सिक्योरिटी के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, या होम अप्लायंसेस में कनेक्ट करने के लिए भी
यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोटोकॉल है ZigBee प्रोटोकॉल, ठीक है। ZigBee क्या है, ब्लूटूथ की तरह ही यूज़ होता है, लेकिन आपका ZigBee जो होता है वो लाइट वेटेड प्रोटोकॉल होता है, लो पावर कंजम्पशन प्रोटोकॉल होता है, और इसे स्पेशली IoT में डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका ZigBee प्रोटोकॉल। इट इज अ लो डेटा रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ZigBee कैसा है, आपका लो पावर लो डेटा रेट, यानी जो डेटा ट्रांसफर करेगा वो भी लो ही होगा, कम होगा, और वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे कि आपको मैंने पैन पहले भी बताया कि किस लिए यूज़ होता है, बहुत ही कम रेंज पे यूज़ होता है, और पर्सनली यानी मोबाइल में कनेक्टिविटी करने के लिए हम पैन को यूज़ करते हैं। तो इट इज़ अ लो पावर लो डेटा रेट वायरलेस पैन नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, यानी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, ब्लूटूथ का ही एक ऑप्शन है, बस ब्लूटूथ में क्या होता है उसमें लो पावर नहीं होती है, वो लाइट वेट नहीं होता है, उसका जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और ZigBee में क्या है कि उसी का ऑप्शन उसको लिया गया है, और लो पावर होती है लो डेटा रेट होता है, यानी जो डिवाइसेस जिनके बीच में डिस्टेंस कम होता है, जिनकी रेंज कम होती है, वहाँ पे हम ZigBee को यूज़ करते हैं IoT के अंदर ब्लूटूथ की जगह। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन होम ऑटोमेशन, एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सेटिंग। और कहाँ पे यूज़ होता है ये होम ऑटोमेशन का मतलब होम अप्लाइंसेस जो होते हैं, जब हम होम के अपने हम अपने घर को क्या कर रहे हैं, स्मार्ट होम बना रहे हैं, तो वहाँ पर ये यूज़ होता है, ताकि हम एक दूसरे अप्लाइंसेस को सारी अप्लाइंसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सके, हम अपने घर की जो चीज़ें हैं डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट कर सके। और होम ऑटोमेशन के साथ साथ ये कहाँ यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज़ होता है, क्योंकि जो ZigBee है वो लो पावर है, यानी कि जो बैटरी है या जो इलेक्ट्रिसिटी ये यूज़ करेगी वो कम करेगी, यानी एक बार चार्ज करके आपने इसे फिट कर दिया, अगर कहीं आपने इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसी जगह पर फिट कर दिया जहाँ से आप बार बार उसे नहीं निकाल सकते हो, तो इसका जो बैटरी बैकअप होता है वो इतना अच्छा होता है कि वो कई महीनों तक, 6 महीने तक, साल भर तक चल सकता है, तो वहाँ पे उसकी रेंज भी सही होती है, और वो लो डेटा रेट यानी कम डेटा जो है ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन जिस चीज़ के लिए उसे यूज़ किया जा रहा है वो काम सही से करेगा, क्यों, बैटरी बैकअप अच्छे होने की वजह से। जो IoT की डिवाइसेस यूज़ की जाती है वो इसलिए ही यूज़ की जाती है ताकि उनका जो बैकअप है, जो स्टोरेज है वो ठीक हो, जो लॉन्ग टाइम तक चल सके। जो IoT ये आपको देखना, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ZigBee कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इट इज़ जो ZigBee कम्युनिकेशन है प्रोटोकॉल, इट इज़ बेस्ड ऑन IEEE 802.15.4 स्टैंडर्ड। क्या इस स्टैंडर्ड को ये फॉलो करता है, आप ये याद रखना, ये इस पर बेस्ड है।
इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ज़िगबी की, आपकी फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगा हर्ट्ज। जो ज़िगबी प्रोटोकॉल होता है आपने पढ़ी है ना, टॉपोलॉजीज क्या होती है, स्टार टॉपोलॉजी, हब टॉपोलॉजी, मैश टॉपोलॉजी, रिंग टॉपोलॉजी, उनमें से ज़िगबी कौन सी टॉपोलॉजी को जो है सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स, यानी कि जब हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम कई तरह से हम डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं हम रिंग टॉपोलॉजी में, ये डिवाइस इससे कनेक्ट है, ये इससे और ये इससे, हम रिंग टॉपोलॉजी की तरह से भी इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, हम स्टार टॉपोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ये डिवाइसेस हैं हमारी 4 डिवाइसेस, देन ये हमारा एक डिवाइस हब से कनेक्ट है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, स्टार टॉपोलॉजी। और मैश टॉपोलॉजी में क्या होती है कि अगर हमारी 4 डिवाइसेस हैं तो एक डिवाइस हमारी तीनों डिवाइस से कनेक्ट होगी, इसी तरह से ये डिवाइस भी हमारी अदर जो डिवाइसेस हैं उनसे कनेक्ट होगी, तो इस तरह से ये सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, तो ये हमारी क्या कहलाता है, मैश टॉपोलॉजी। तो ज़िगबी को जब हम यूज़ कर रहे हैं उसे किस लिए यूज़ कर रहे हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, तो वो कौन कौन सी टॉपोलॉजी को सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स आर स्टार मैश टॉपोलॉजी, स्टार एंड मैश टॉपोलॉजी, ओके, ये इनको सपोर्ट करता है। एडवांटेजेस क्या है ज़िगबी के, क्यों यूज करते हैं हम इसको, सबसे पहला एडवांटेज हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, फर्स्ट इज लो पावर कंजम्पशन, लो पावर कंजम्पशन, सेकेंड इज वायरलेस, ये वायरलेस है, वायर की हमें कोई नीड नहीं होती है इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं, मैश नेटवर्किंग, ये मैश नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है कि एक डिवाइस जो है अदर डिवाइसेस से कनेक्ट है, जैसे जेडवे में बताया था, यहाँ पे आपको बताया था ना कि ये क्या करता है, इस डिवाइस को सिर्फ इस डिवाइस पर ही सेंड करेगा डेटा, अदर डिवाइसेस को डेटा जो है वो सेंड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ज़िगबी हम यूज़ किस लिए करते हैं कि यहाँ पे मैश नेटवर्किंग जो है वो यूज़ की जाए, यानी एक डिवाइस जो है बाकी अदर डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकते हैं, यानी अगर ज़रूरत पड़े तो वो ब्रॉडकास्टिंग कर सकती है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है कि एक डिवाइस के साथ जो जितनी भी डिवाइसेस आपकी कनेक्ट है वो उन सारी डिवाइसेस को डेटा सेंड करेगी या मैसेज जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेंड करेगी। डिसएडवांटेज क्या है आपके ज़िगबी का, एक तो ये कॉस्टली है, डिसएडवांटेज फर्स्ट इज कॉस्टली, एंड सेकेंड इज वर्क विथ लो स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो कम है क्योंकि डेटा ट्रांसफर रेट इसका कम है, विद इन अ स्मॉल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो कम है, यानी जो डिवाइसेस के बीच डिस्टेंस होता है वो कम होता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, अगर डिस्टेंस की जो रेंज है फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाए जो डिस्टेंस है तो हम इसे ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। कहाँ कहाँ हमारा ज़िगबी प्रोटोकॉल यूज़ होता है, पर्सनल एंड हेल्थ केयर एप्लीकेशंस, आप तो देखो ज़िगबी जो प्रोटोकॉल है वो इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है और ये एक शॉर्ट नोट में भी आपको मिल सकता है, जैसे MQTT प्रोटोकॉल इम्पॉर्टेंट है ऐसे आपका ज़िगबी भी इम्पॉर्टेंट है, ब्लूटूथ कम इम्पॉर्टेंट है, ज़िगबी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक नया है, ब्लूटूथ जो प्रोटोकॉल है वो नॉर्मली हम सब जानते हैं उसके बारे में, हम बता सकते हैं कि ब्लूटूथ क्या है, लेकिन जो ज़िगबी आपकी टर्म आई है वो एक न्यू टर्म आई है, तो आप जो है ज़िगबी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि ज़िगबी की
क्या डेफिनेशन है, कहाँ यूज़ होता है, क्या उसका एडवांटेज है, क्या उसके डिसएडवांटेज है, और एप्लीकेशंस का मीनिंग क्या होता है, यूजेस, कि कहाँ वो यूज़ हो रहा है। आपने पहले भी मैंने आपको करवाया ना एप्लीकेशन ऑफ IoT, एप्लीकेशन कभी भी ये नहीं बताएंगे कि कहाँ यूज़ होता है, यूज़ वाला यूज़ वर्ड आपको नहीं मिलेगा, जो टर्म होगी जो यूज़ करी जा रही है वो यूज़ करी जाती है एप्लीकेशन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन का मीनिंग क्या है, एप्लीकेशन मतलब कि वो चीज़ कहाँ यूज़ होती है। एप्लीकेशन ऑफ ZigBee प्रोटोकॉल, होम नेटवर्किंग, होम के अंदर, घर के अंदर, जहाँ भी स्मॉल डिस्टेंस की बात आती है तो आप होम को लिख सकते हो, स्मार्ट होम आप एक वर्ड है उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी एक स्मॉल डिस्टेंस की बात हो रही है, फ्रिक्वेंसी जहाँ कम है, जहाँ डेटा ट्रांसफर रेट कम है, आप लिख सकते हो स्मार्ट होम। होम नेटवर्किंग, पर्सनल एंड हेल्थ केयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंट्रोल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंट्रोल। तो यहाँ पर जो है आपका ZigBee यूज होता है। अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपका LoRaWAN। कल पढ़ाया था मैंने आपको एक प्रोटोकॉल 6 LoRaWAN यानी IPv6, इसी के आगे क्या लिखा था, 6 मीन्स IPv6, जहाँ पे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल में वो यूज़ होता था, क्योंकि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का क्या काम होता है, IP एड्रेस आइडेंटिफाई करना कि किस डिवाइस पे डेटा हमें सेंड करना है, कौन सी डिवाइस है। तो हर एक डिवाइस जो होती है वो आइडेंटिफाई होती है अपने नेम से, और वो नेम क्या, उसका IP एड्रेस। तो अब जो है ये प्रोटोकॉल है आपका LoRaWAN, ये भी आप प्रोटोकॉल पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत इसमें आप पढ़ा देती हूँ मैं। LoRaWAN मीन्स लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, ओके। सारे प्रोटोकॉल्स की जो फुल फॉर्म है वो आप लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे आपने कई जगह पढ़ा है वायरलेस पेन, यानी कि जो पर्सनली आप यूज़ कर रहे हो, जहाँ छोटी स्मॉल रेंज या डिस्टेंस कम है वहाँ हम पेन वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस आ जाता है वहाँ हम क्या वर्ड यूज़ कर लेते हैं, वैन। जैसे कि आपकी स्मार्ट सिटी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। विच इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल, कैसा नेटवर्क प्रोटोकॉल है ये, इट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल, ओके। ये कैसे, इस जो LoRaWAN है, देखिए न्यू प्रोटोकॉल है, देखो जो प्रोटोकॉल आप पढ़ चुके हो मतलब नेटवर्किंग में समझ जाओ वो लो पावर प्रोटोकॉल नहीं है, और जो न्यू प्रोटोकॉल आप पढ़ रहे हो, जो आपको अलग से आप पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, समझ जाओ ये सारे प्रोटोकॉल जो है IoT के प्रोटोकॉल्स हैं, और ये सारे प्रोटोकॉल लो पावर प्रोटोकॉल है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मे बी MCQ में यही क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा इनमें से जो है वो लो पावर प्रोटोकॉल है, और आप तो चार प्रोटोकॉल दे रखे हो, तो आपको वो फाइंड आउट करना। नेक्स्ट है, इट इज एन ऑप्टिमाइज्ड लो पावर
कंजम्पशन प्रोटोकॉल, कंजम्पशन प्रोटोकॉल डिजाइन टू सपोर्ट लार्ज स्केल पब्लिक नेटवर्क विद मिलियंस ऑफ लो पावर डिवाइसेस. मीन्स क्या है, इट इज़ अ ऑप्टिमाइज लो पावर कंजम्पशन, यानी कि इसे फुल्ली तरह से यूज़ किया जाता है. इसकी जो पावर है वो बहुत ही लो होती है, जो इसका बैटरी बैकअप है वो अच्छा होता है, और जो यूज़ करते हैं ये बैटरी बहुत ही कम यूज़ करती है. इसलिए हम इसे वाइड एरिया में यूज़ करते हैं, यानी बहुत बड़े लेवल पे जहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं. लो पावर कंजम्पशन प्रोटोकॉल डिज़ाइन टू सपोर्ट लार्ज स्केल पब्लिक नेटवर्क, जहाँ पे जो नेटवर्क हम क्रिएट कर रहे हैं डिवाइसेस को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, यानी उन डिवाइसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है. और मिलियंस ऑफ, ये लाइन देखो मेन है, मिलियंस ऑफ लो पावर डिवाइसेस, जहाँ पे हम नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए कैसी डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, जो सारी ही डिवाइसेस जो है लो पावर कंजम्पशन है, क्योंकि हम पहले भी बताया है कि हमें IoT में वही डिवाइसेस यूज़ करनी है जो लो पावर कंजम्पशन है, जो कम पावर यूज़ करती है. ओके, कैसा इसमें नेटवर्किंग होती है, बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल, यानी कि जितनी भी मिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो है कनेक्ट हुई है वो बाय डायरेक्शनल है. कोई भी डिवाइस किसी भी डिवाइस को मैसेज सेंड कर सकती है, ऐसा नहीं है यूनिडायरेक्शनल नहीं है कि एक डिवाइस जो डिवाइस ए है सिर्फ वही मैसेज सेंड कर सकती है अदर डिवाइसेस को, ऐसा कुछ नहीं है. बाई डायरेक्शनल है, यानी कि ए डिवाइस भी अदर डिवाइसेस को मैसेज सेंड कर सकते हैं और अदर डिवाइसेस भी ए डिवाइस को मैसेज सेंड कर सकती हैं. इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है. जो रेंज है वो 2 to 5 kilometers है और 15 kilometers तक भी हो सकता है, मे बी 15 kilometers. जो डेटा रेट है 0.32 50 kbps. ओके, मेन चीज क्या है, वैन, ये जो है वाइड एरिया नेटवर्क पे आपका यूज़ होता है. ये जो प्रोटोकॉल्स है ये इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स है, इसके अलावा बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं